डियर स्टूडेंट्स, कल कुछ अनअवॉइडेबल इमरजेंसीज आ जाने के कारण कोई भी वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन आज से सब कुछ रूटीन से चलेगा। सबसे पहले हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट्स करेंगे और उसके बाद आपके टॉपिक वाला वीडियो वो अभी आएगा। बीपीएससी का भी वीडियो आना है टॉपिक वाला, तो आज से सब कुछ रूटीन रहेगा। आपके सारे वीडियोस अपने टाइम से मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बनाते हैं आज के इस 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स के, जो एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए बनाया गया है, स्पेशली उस एग्जाम को ध्यान में रखकर जिसमें आज का कट ऑफ होगा 36 जनरल मेल का। इस 50 क्वेश्चंस के सेट में जनरल मेल के लिए 36 जबकि रिजर्वेशन कैटेगरी और फीमेल के लिए 33 का कट ऑफ होगा। चलिए बनाते हैं इस एक शानदार सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवित जड़ पुल लाइव रूट्स ब्रिजेस, जड़ों से ब्रिज कहां बने हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। मेघालय में पेड़ों के बड़े बड़े बाहर निकले हुए रूट्स को ब्रिज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसे लाइव रूट्स ब्रिज के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परमाणु शक्ति केंद्र एटॉमिक पावर सेंटर्स में कौन गलत सुमेलित है, मिसमैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में नहीं। कर्नाटक में कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो यह भी ध्यान रखें, कर्नाटक में कैगा है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। आज का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मिलन स्थल कहां से गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगर आप अटलांटिक महासागर में देखेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से गुजरता है, अटलांटिक सागर में स्थित है, और यहीं से 0 डिग्री लैटिट्यूड भी गुजरता है, दोनों का मिलन बिंदु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि भारत में हाई कोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखकर आपको बताना कि कौन इसमें सही है। देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी में अपना हाई कोर्ट नहीं है, और तीसरा है कि हाई कोर्ट के जजों का रिटायरमेंट एज 62 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3, दो नंबर सही नहीं है, चूंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और उसका अपना हाई कोर्ट है, जबकि रेस्ट 1 और 3 सही है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके घनत्व डेंसिटी के अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोना सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट है, जबकि पारा दूसरे पोजीशन पर और स्टील तीसरे पोजीशन पर है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, यहाँ के दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन स्टेटमेंट सही है, गलत है या क्या है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जबकि विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, बहुत सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहले गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और 1773 में, जबकि बी विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत का 1833 में बनाया गया। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे वनस्पति विज्ञान शास्त्रियों का स्वर्ग यानी हैवन फॉर बॉटनिस्ट्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रेशर यानी दाब का यूनिट कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जूल पर सेकंड नहीं है, जबकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, चूंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अगर देश मरता है तो कौन जीता है, इस बुक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन, शिक्षा के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को किस आर्टिकल में स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 21
ये आर्टिकल 21A में जगह पाया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम यानी एक्ट सबसे पहले फर्स्ट प्रभावी हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोऑपरेटिव एक्ट जो 1904 में आया, जबकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, आरबीआई एक्ट 1934 में और राजभाषा अधिनियम 1963 में आया। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, रेहला किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, मोरक्को निवासी था, इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, ये एक मैचिंग है षड दर्शन, जो 6 दर्शन प्राचीन दर्शन हमारे हैं, उन दर्शनों में सुमेल करके बताना है कौन सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, योग दर्शन पतंजलि, सांख दर्शन कपिल, जबकि वैशेषिक कनाद और न्याय दर्शन गौतम। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, दलहनी पौधों की जड़ों में रूट्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एजोबैक्टर, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, साथ ही राइजोबियम भी, ये दोनों एग्जाम्स में आते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। चूँकि पर्यावरण से नाइट्रोजन नहीं लेते पौधे, वे इन बैक्टीरियाज के थ्रू नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। 15वां क्वेश्चन, फ्यूज वायर जिसे हम लोग सर्किट कहते हैं, का रेसिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट क्रमशः क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। यहाँ पर सी में कुछ प्रतिरोध लिखा हुआ है, इसे आप उच्च प्रतिरोध पढ़ें। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भागीरथी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में दो और नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यह है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, खाइबर दर्रा किन स्थानों के बीच स्थित है? दर्रा पास, पहाड़ों में जो कटे हुए पतले मार्ग होते हैं उन्हें दर्रा या पासेस कहते हैं, जो दो स्थानों को पहाड़ों के बीच जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्राचीन काल में भारत में प्रवेश का यह सबसे सुगम मार्ग था, जो वर्तमान पाकिस्तान से होते हुए भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश के लिए जाना जाता था। अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी इसी खाइबर दर्रा से भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य मेल यानी मिसमैच की पहचान करके बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सफ़ेद सोना जो जूट पटसन नहीं कपास यानी कॉटन होता है। कपास या कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को जब संसद नहीं चल रही हो और देश का कानून बनाना अनिवार्य हो, तात्कालिक कानून के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है, जिसका टेन्योर 6 महीने का होता है, लेकिन इसे 6 सप्ताह के अंदर संसद से पास करा लेना होता है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, नेवेली किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिग्नाइट के लिए। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला है, उसका बिटुमिनस और तब लिग्नाइट। लिग्नाइट थोड़ा कम क्वालिटी का कोयला है। तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट के खनन और उस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए यानी थर्मल पावर स्टेशन के लिए जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन, भारत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था
का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में महालवाड़ी सिस्टम को लागू किया, लैंड रेवेन्यू यानी उत्पादन में टैक्स से संबंधित। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस सिख गुरुओं को फांसी दे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के समय फांसी दी गई थी, जबकि गुरु तेग बहादुर जो नौवें गुरु हैं उन्हें औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दे दी गई थी। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन ए और बी, हिमालय से निकलने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। कथन बी कहता है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कोस्टल तटीय भारत की नदियाँ एस्चुरी डेल्टा दोनों बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कथन बी सही है लेकिन ए गलत है। हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियां जो मैदानों से बहकर जाती हैं ये एस्चुरी नहीं डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की नदियां एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की संकल्पना किस देश से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि वहाँ राज्यों के निवासी उस राज्य विशेष के भी नागरिक कहलाते हैं। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन पदाधिकारियों का चुनाव करें जिन्हें महाभियोग से, इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, सबसे अधिक भारतीय राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य की सीमा सबसे अधिक भारतीय राज्यों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लगती है, जो सर्वाधिक है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गाँव को मिलाकर वर्तमान कोलकाता शहर अपने अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुतानौती, कालीकाता और गोविंदपुर। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक को माना जाता है। 1690 के दशक में वर्तमान कलकत्ता अपने अस्तित्व में आया था। 29वां क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से स्वीकृत एडॉप्टेड संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 284 लोग थे जिन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए, जो संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के रूप में इसके अध्यक्ष यानी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जब रेपो रेट बढ़ा देता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाजार की तरलता घट जाती है। रेपो रेट कहते हैं जब कॉमर्शियल बैंक्स यानी स्टेट बैंक जैसे बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, तब आरबीआई उस पर एक ब्याज लेता है जिसे रेपो रेट कहते हैं। अगर ब्याज अधिक होगा तो बैंक्स कर्जे नहीं लेंगे, तो मार्केट में भी पैसा फ्लोट कम करेगा, तो इसकी तरलता लिक्विडिटी घट जाएगी। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 32वां क्वेश्चन, लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झीलों का अध्ययन यानी लेक्स का स्टडी। 33वां क्वेश्चन, यहां पर भी एक मैचिंग आ गया है, आपको बताना है कि कौन मैचिंग गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लास्ट रोग, जो चना में नहीं धान में होता है।
जबकि टिक्का मूंगफली, रेड रॉट गन्ना यानी शुगर केन और मोज़ेक तंबाकू यानी टोबैको में होता है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक ज्वालामुखी झील है, वॉल्केनिक लेक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील। लोनार महाराष्ट्र में वॉल्केनिक झील है, जबकि जीजवाना वायुजनित झील है, नैनीताल हिमानी झील है। 36वां क्वेश्चन, मगध के किस शासक को श्रेणिक यानी सेना रखने वाला कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा बिंबिसार मगध का पहला शासक था। इसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा, किस डिवाइस के द्वारा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली का पंखा, जबकि इसका ठीक रिवर्स उल्टा होता है डायनेमो में, जहां यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। 39वां क्वेश्चन, ट्रायथलन में 3 स्पर्धाएं होती हैं, इसमें कौन सा स्पर्धा है, इवेंट है, खेल है जो ट्रायथलन में इंक्लूड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंची कूद यानी हाई जंप। ट्रायथलन में हाई जंप शामिल नहीं है, जबकि साइकिलिंग लंबी दौड़ यानी लॉन्ग रेस और स्विमिंग तीनों कंबाइंड फॉर्म है ट्रायथलन का। इसी प्रकार हेप्टाथलन भी है, जिसमें 7 खेलों को एक साथ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। 12 दिसंबर 1911 को कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के सम्मान में दिल्ली दरबार लगा और वहीं ये घोषणा हुई, जिसमें बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही दिल्ली कलकत्ता से राजधानी के रूप में स्थानांतरित हुई। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, जो आप करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हैं वो आपको दिखाई देंगे। 22वें ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग में ये अगस्त माह में आयोजित हुआ ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन। 42वां क्वेश्चन, किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रवि शास्त्री, जो पहले भी कोच थे। 43वां क्वेश्चन, इंग्लैंड में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केन विलियम्स, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स। इंग्लैंड ने इस आईसीसी चैंपियनशिप को जीता न्यूजीलैंड को हराकर। 44वां क्वेश्चन, निजी संचालित यानी प्राइवेटली ऑपरेटेड देश की पहली ट्रेन कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेजस एक्सप्रेस, जो देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेगी, प्राइवेटली ये ऑपरेटेड होगी। 45वां क्वेश्चन, विश्व का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन में। जॉर्डन में ये अंडर वाटर आप देख सकते हैं मिलिट्री म्यूजियम, जो विश्व का पहला मिलिट्री म्यूजियम है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, 9th सार्क फिल्म फेस्टिवल, नवा सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के कोलंबो में।
कोलंबो में ये आयोजित हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क कहते हैं, जो 1985 में स्थापित हुआ था ढाका में, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। 43वां क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस 2019 की महिला एकल सिंगल चैंपियन वीमेन कैटेगरी में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमोन हालेप, जबकि मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविक विंबलडन चैंपियन है। 48वां क्वेश्चन, जुलाई 2019 में कौन भारत का 64वां ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पृथु गुप्ता, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। 49वां क्वेश्चन, अपने अफ्रीका यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बेनिन, बेनिन में पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति पहुंचा था। 50वां क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में ज्वाइन किया और कश्मीर में अपनी सैनिक ट्रेनिंग पूरी की? तो इसका आंसर हो जाएगा MS धोनी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस, जिसमें जनरल मेल के लिए कट ऑफ 36 था, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 33 का। इस तरह के सेट्स आप बनाते रहें, ये कट ऑफ का रेशियो अनुपात आपको मेंटेन करना चाहिए। इतने स्कोर्स का मतलब है आपकी तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए बेटर है, अच्छी है, आपको सोचना नहीं है। टेक केयर।